हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो हर रोज की तरह मैं आज भी नो कांटेक्ट का रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, यू, सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है गाइस। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आप लोग ज़रूर जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज मैं देखूंगी आपकी एनर्जी, पहले देखूंगी आपकी एनर्जी कैसा है। अगर आपका एनर्जी रेजोनेट कर जाते हैं तो उसके बाद आप पूरा रीडिंग देखना, ठीक है? चलिए, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, मेरे व्यूअर्स जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे, उसकी एनर्जी कैसा है। जब भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जब भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उस टाइम के मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है, जब भी आप लोग देख रहे हो प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है। प्लीज सेंसर गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है। प्लीज सेंसर गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसे हैं। जब भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहा है, एक एक करके कार्ड दो एंजल। मेरे व्यूअर्स के एनर्जी कैसा है। बॉटम द डेक है डेविल, टावर एंड फोर ऑफ वैंड्स। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्मिक शादी में हो सकते हो। देखिए यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स के साथ दी डेविल आया है और दी हैंग्ड मैन आया है, ठीक है? तो अगर आप मैरिड हो तो आप कार्मिक मैरिड में हो सकते हो। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो वो कार्मिक मैरिड में हो सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर मैरिड है तो यहाँ पर कार्मिक मैरिज भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर साइन की बात करते हैं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों का साइन हो सकता है। साथ ही साथ कैंसर स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई स्ट्रांग है। ओके, और पाइसिस स्ट्रांग है, ठीक है? स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे साइन निकल कर आए हैं। आप लोगों की अगर एनर्जी देखा जाए तो आप लोग किसी सिचुएशन में डर रहे हो, फेयरफुल एनर्जी में हो कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं, आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। तो थोड़ा डर रहे हो, फेयर की एनर्जी में हो, पूरा विश्वास नहीं है आपको, ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं थोड़ा फ्लैटिशियस नेचर के भी हो सकते हो, फ्यू ऑफ यू, ठीक है? हर कोई नहीं है, तो हो सकता है आप लोग थोड़ा फ्लर्टिशियस नेचर के हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन के अलावा आपके लाइफ में कोई ऑप्शन रह सकता है आपके पास। जैसे कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उसके अलावा आपके लाइफ में कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या फिर कोई अलग पर्सन भी हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और आप लोग बहुत बेसब्री से जो है वेट कर रहे हैं आपके पर्सन की वापस आने के लिए, ठीक है? कि आपके पर्सन क्विकली वापस आ जाए, नहीं तो आप चले जाओगे, आप कॉल कर दोगे, इस तरीके का एनर्जी है कुछ लोगों का, ठीक है? कुछ लोग बहुत हड़बड़ी में हो कि मेरे पर्सन आप वापस आए तो आए, नहीं तो मैं ही कॉल कर दूँगी, मैं ही पूछ लूँगी कि क्या हालचाल है, ठीक है? उसके बाद आप मूव ऑन भी कर जाना चाह रहे हो कुछ लोग यहाँ पर, ये आपको क्लैरिटी मिल जाए उसके बाद आप मूव ऑन भी कर सकते हो, इस तरीके का आपका एनर्जी है। ओके, और यहाँ पर कुछ लोग के पर्सन या तो आ चुके हैं आपके लाइफ में वापस चैरियट के साथ, या तो आने वाला है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। और कुछ लोग चाहते हो अगर आपके पर्सन आए तो ठीक है, नहीं तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगी, मैं वेट नहीं कर सकती, और इस तरीके का एनर्जी है आपका। और आपके लाइफ में सेपरेशन आया है, टावर मोमेंट चल रहा है, शादी में सेपरेशन आया है, बहुत सारे लोग जो अपनी पर्सन के लिए देख रहे हो, ठीक है? कि आपके पर्सन के साथ आप मैरिड हो, ठीक है? आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हो,
और आप दोनों के शादी में टावर मूवमेंट आया है, सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, ओके। और कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हो, यहाँ पर कार्मिक शादी में भी हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कार्मिक भी हो सकता है। तो एक मेरे व्यूअर्स ने कल कमेंट किया कि मैम आप जो रीडिंग करते हो, हर रोज बोलते हो कि कर्मा एंडिंग्स हो रहा है, हर रोज बोलते हो कि रियूनियन होने वाला है, लेकिन होता नहीं है, आप झूठ बोलते हो, ये वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लेम किया है कमेंट में, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहती हूँ, और जो लोग सोचते हैं इस तरीके से कि मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ये फेक है, ये सब कुछ सच नहीं है, झूठ है, तो आपके लिए आंसर ये है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आपको कोई फोर्स नहीं करता है रीडिंग को देखने के लिए, ठीक है। अगर आपने रीडिंग देख रहे हैं और आपको रेजोनेट नहीं हुआ है, रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करता है रीडिंग को हर रोज देखने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, वो पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है भी या नहीं, उसकी क्लैरिटी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आपको नहीं पता है आपका पर्सन कैसा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी भी वेटिंग सिचुएशन में हो, ठीक है, बैलेंस्ड नहीं हो, नेगेटिविटी में हो, वेटिंग एनर्जी में हो, वेट करते ही जा रहे हो, आपके पर्सन की जो है थॉट्स में आप बिजी हो, खुद के लाइफ में आप पॉजिटिव नहीं हो, पॉजिटिवली काम नहीं कर रहे हो, गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भी आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है ये फेक है, आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप छोड़ सकते हो, रीडिंग नहीं देख सकते हो, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपने रीडिंग तक आए हैं, रीडिंग देखा है, आपको अच्छा नहीं लगा है, तो आप इग्नोर कर सकते हो, ओके। तो ये चीज़ है, तो जिनके लिए था ये कमेंट, जिनका था उनके लिए स्पेसिफिकली मैसेज था, और बाकी जो लोग सोचते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये फेक है, तो आप सीधा इग्नोर कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो पर्सन आपके लिए सही है, जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, क्या वो वापस आने की चांसेस भी है या नहीं, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना होगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग को कोई अगर 2 साल बाद भी देखेंगे तो उसको रेजोनेट कर सकता है, ठीक है, उनके साथ अगर रेजोनेट होता है तो वो रिजल्ट उनको दिख सकता है। तो आप नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली आपके लिए है, आपके लिए बोला गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अगर देखेंगे तो इसको रेजोनेट हो सकता है, उसके पर्सन के साथ रेजोनेट हो सकता है, तो टाइमलेस रीडिंग होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पर्सनल रीडिंग लेके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन इस तरीके का ब्लेम आप नहीं कर सकते हो। आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आप इग्नोर करो, ब्लेम मत करो, ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको, ओके। चलिए कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। टावर क्यों आया है यहाँ पर, टावर क्यों आया है, प्लीज एंसर गाइड करें, टावर कार्ड क्यों आया है। यस, आपके लाइफ में टावर मोमेंट से आप गुजर रहे हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है, हार नहीं माना है, आपने स्टैंड लिए हैं, ले रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप स्टैंड ले रहे हैं। साथ ही साथ आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था ना, वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। देखिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्स एंड डेथ कार्ड। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ से आपके पर्सन केयर फ्री होकर बाहर आ रहे हैं, और शादी को लेके यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट आया है, ठीक है, क्योंकि देखिए टावर को शादी ने क्लैरिफाई किया है, तो शादी से रिलेटेड कोई चीज़ है, जो भी हो यहाँ पर आपके, आप जो है केयर फ्री होके बाहर आ रहे हैं इस टावर मूवमेंट से, आप गिव अप नहीं किया है, काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आ रहे हैं, ओके। फोर ऑफ बैंड्स क्यों आया है, प्लीज एंसर गाइड करें, फोर ऑफ बैंड्स क्यों आया है। फिर से मैं लेती हूँ कार्ड्स, मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, ठीक है, मैं फिर से कार्ड लेती हूँ। फोर ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें, फोर ऑफ वैंड्स क्यों आया है यहाँ पर, फोर ऑफ वैंड्स क्यों आया है, फोर ऑफ वैंड्स क्यों आया है, ओके।
देखिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप अपनी पर्सन से शादी करना चाहते हैं लेकिन आपका पर्सन आपको चीट करके भाग गए हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच एज गैप है, ये मुझे दिख रहा है, और आप दोनों के बीच रूट कम्युनिकेशन हुआ है, या तो फिर आप तैयार हो उनके साथ कुछ क्लियर कट बातचीत करने के लिए, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आपके साथ आपके पर्सन का जो रिश्ता है उनमें क्लियरिटी आए, ठीक है। और आपके पर्सन आपको चीट करके भागे हैं लेकिन फिर भी आप उनको स्पाई करते हो, एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन का ऑलरेडी कोई पास्ट हो सकता है, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, इस तरीके का भी एनर्जी है। तो जो भी हो, आपका लवर्स के शादी, आप शादी चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, ऐसा आपका कारण एनर्जी है। टेबल क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डेविल कार्ड आया है, मतलब डेविल कार्ड को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है। तो आप लोग कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो बहुत सारे लोग, और यहाँ पर जो है आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो रीडिंग को, एक्स पार्टनर के लिए, और सन मून की एनर्जी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, लेकिन आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, होपफुल हो, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, प्रे भी कर रहे हो ताकि आप दोनों के बीच रियूनियन हो जाए, ठीक है। तो ऐसी आपका सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट किया है किसी भी तरीके से तो आप आगे की रीडिंग को देखो। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों की रीडिंग पिक किए हैं, क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट दिखता नहीं है और कुछ लोग समझ रहे हो कि फेक है। तो अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट हुआ है तो आपको आपके पर्सन की भी नेक्स्ट एक्शन बोलो, या फिर उनका जो भी कारण फीलिंग्स है वो भी आपको रेजोनेट होना चाहिए, राइट। इसीलिए मैंने आज ये देखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की कारण फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें, जिनका भी एनर्जी मैच हुआ है यहाँ पर, रेजोनेट हुआ है, मेरे व्यूअर्स जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं जिनका भी एनर्जी रेजोनेट हुआ है अभी अभी, उनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज एंजल गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। ओके, आपके तरफ भी नाइट ऑफ बैंस आया था, यहाँ पर भी नाइट ऑफ बैंस आया है। कुछ लोग आप में से कुछ लोग आप मतलब आपके पर्सन को रीच आउट करना चाह रहे हो, आप खुद जाना चाह रहे हो उनके तरफ, मतलब कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, या फिर आज के दिन में कर सकते हो आप लोग, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रहे हैं। ओके, अगर इसके आगे की एनर्जी आपसे रेजोनेट किया है तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है। चलिए पहले मैं साइन बता देती हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, तो यहाँ पर काप्स की एनर्जी थोड़ा कम है लेकिन आए हैं। यस, आपके पर्सन की लाइफ में कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन स्टक है लेकिन उस स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ से बाहर आके वो एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, इस तरीके से भी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और करियर में वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। करियर में अगर वो स्टेबल नहीं थे तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं करियर में भी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन पैशनेट है, बोल्ड है, आपके तरफ क्विकली आना चाहते हैं, या तो फिर आज के दिन में आप अपनी पर्सन के तरफ जा सकते हो। ओके,
और आपके पर्सन भी आ सकते हैं आपके तरफ, लेकिन उनका जो मूवमेंट है बहुत स्लो है, बहुत स्लोली वो आ रहे हैं आपके तरफ। ठीक है, तो चलिए कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर एज डिफरेंस है, यस एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच। ओके, किंग ऑफ कप्स क्यों आए हैं, सॉरी नाइट ऑफ कप्स क्यों आए हैं, यस उनके लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड हो रहा है। फाइव ऑफ व्हील्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, आज के दिन में आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। ठीक है, यस मैरिज लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं आपके पर्सन, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाह रहे हैं, इस तरीके का भी एनर्जी है। क्वीन ऑफ व्हील्स क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें, क्वीन ऑफ व्हील्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ व्हील्स प्लीज एंजल गाइड करें, क्वीन ऑफ व्हील्स क्यों आया है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और थर्ड पार्टी है, वो सिचुएशन उनका कार्मिक मैरिज अगर है तो वहाँ पर बातचीत नहीं हो रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन है उनके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ। ओके, एक जो है मैसेज है। दूसरा मैसेज है, अगर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ आपका ब्रेकअप सिचुएशन है तो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं एट ऑफ पेंस के साथ। ठीक है, दिख रहा है कार्ड्स आपको। तो थर्ड पार्टी जो भी हो आप दोनों के बीच में, मैरिड लाइफ में, मैरिज के बीच में जो भी थर्ड पार्टी आ रहा है, हो सकता है कि मैरिज को लेके उनके घर में अगर कोई भी इशू चल रहा था कि उनके मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, कुछ भी था, तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप सिचुएशन है आपके पर्सन की, और आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके तरफ वापस आ रहे हैं एट ऑफ बैंड्स के साथ। ओके, नाइट ऑफ बैंड्स क्यों आया है, कितने आवर्स में कॉल मैसेज आ सकता है, कितने आवर्स में कॉल मैसेज आ सकता है, और कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है गाइस, कि आपके पर्सन आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच बैलेंस आ सकता है गाइस, पीसफुल रिजोल्यूशन आ सकता है। अगर आप अपनी हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत चांस है कि आपके पर्सन वापस आए, यहाँ पर प्यार का इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो जाए। न्यू बिगिनिंग कब तक होगा, और 6 आवर्स 6 डेज के अंदर आ सकते हैं। एस ऑफ व्हील्स क्यों आया है, न्यू बिगनिंग, देखिए न्यू बिगनिंग को न्यू बिगनिंग ने क्लैरिफाई किया है। यस, आपके पर्सन के साथ आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है गाइस। ओके, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके तरफ आ रहा है, आपके पर्सन खुद कमिट करना चाह रहे हैं, आपको खुद कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ये आपके पर्सन की विशेस है कि वो आपको कमिट करे, आपके साथ न्यू बिगनिंग हो। इमोशनल हो रहा है कि वो किसी सिचुएशन के चलते वो आपके तरफ आ नहीं पा रहे, स्टेप नहीं ले पा रहे। एट ऑफ सोर्स, क्या इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्या इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आएंगे, यस बिग यस है, बाहर आएंगे। दिशान कार्ड है, एक्शन होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जिस सिचुएशन की वजह से, वहाँ से वो केयर फ्री होके बाहर आएंगे, रिस्क लेंगे इस रिश्ते में, और एक एक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बाहर जरूर आएंगे इस ट्रैप सिचुएशन से, और नंबर है 0। ठीक है, तो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका सिचुएशन। क्वीन ऑफ सोर्स क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों आए हैं यहाँ पर, कौन कंट्रोल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी। देखिए यहाँ पर दो दो किंग आए हुए हैं, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, या तो फिर पेंटिकल का इशू है जिसकी वजह से आपके पर्सन कंट्रोल्ड हो रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बैलेंस्ड हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर नहीं लिए हैं, फिर भी डेक में इतना सारा कार्ड्स है आपको मैं दिखा रही हूँ, इतना सारा कार्ड्स है डेक में। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हो कि आप फेक रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, झूठ बोल रहे हो, तो मैंने आपके सामने ही कार्ड निकाला है और आपके सामने ही कार्ड्स आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड किया है टू ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड। ठीक है, द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, ये क्या दिखाता है, यूनियन को दिखाता है। यहाँ पर देखिए
ये जो बंदा है एक काप इसको दे रहे हैं और ये जो बंदी है एक काप उनको दे रहा है, सेम तरीके का काप दे रहा है, मतलब प्यार का इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जितना आप उनको प्यार कर रहे हो उतना आपकी पर्सन कर रहे हैं। और यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पर जो जस्टिस का कार्ड है सीधा सोर्स को पकड़ के रखे है, ठीक है। और जस्टिस के कार्ड में और एक चीज़ दिखा जाता है कि तराजू पकड़े हुए रहते हैं, तराजू में क्या किया जाता है कि वजन किया जाता है और बैलेंस को दिखाता है। तो यहाँ पर बैलेंस होगा सिचुएशन, इक्वल गिव एंड टेक होगा। और लवर्स का कार्ड जो है यूनियन को दिखा रहा है, और यहाँ पर जो है एंजल की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहते हैं, तो डिवाइन की मर्जी से यूनियन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे ये झूठ हो गया आप लोग बोलिए, आपके सामने मैं हर रोज़ कार्ड निकलती हूँ और हर रोज़ अगर ये एनर्जी आते हैं तो किसी ना किसी का तो यूनियन होना ही होता है, ठीक है, इसीलिए ये कार्ड आते हैं। तो यहाँ पर भी रियूनियन पॉसिबल है गाइस, आने वाले 6 डेज के अंदर, 6 आवर्स के अंदर, जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कितना काम कर रहे हो, मेरा काम है एनर्जी को रीड करना, जो भी कार्ड्स आ रहा है, जो भी एनर्जी पिक हो रहा है वो आपके तक डिलीवर करना, ठीक है। तो वो काम मैं करती हूँ, उसके बाद डिवाइन की मर्जी है कि आपका यूनियन होगा नहीं होगा, आप कैसे रिश्ते में हो, किस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, वो पर्सन आपके लिए सही भी है या गलत है वो आपको जानना होगा, और डिवाइन जानते हैं कि आपका कब रियूनियन होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, कुछ सिचुएशन एंड होगा गाइस। मेन मेल आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न रह सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं आपके पर्सन आने वाले टाइम में। कोर्ट हाउस, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, और देखिए यहाँ से भी लवर्स का कार्ड दिख रहा है कार्ड्स आपको, तो यहाँ पर यूनियन होने की चांसेस है और लीगल कोई मैटर आ सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ से भी जस्टिस का कार्ड आया था, यहाँ से कोर्ट हाउस आया है, तो कोर्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पर, और कुछ चीज़ों का यहाँ पर एंड हो रहा है। आपके पर्सन बहुत चिंतित रहने वाले हैं, और डिस्टेंस होराइजन्स, जिनके भी पर्सन डिस्टेंस में रह रहे थे, डिस्टेंस था उन दोनों के बीच, सेपरेशन था, तो वो सेपरेशन एंड हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस होराइजन्स के साथ दी लवर्स, यूनियन होने की चांसेस है 15 आवर्स के अंदर, 36 आवर के अंदर, या फिर डेज के अंदर, ठीक है। आपके पर्सन 24/7 वो आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, थॉट की एनर्जी है, और आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है फिलहाल कुछ लोग के पर्सन घर में हैं। ओके, क्या एंड हो रहा है, काफिन की एनर्जी क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें एंड क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ एंड हो रहे हैं। फैमिली रूम, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें एंड हो रहा है, ठीक। अगर फैमिली में कोई पर्सन थे जो चोरों की तरह बिहेव कर रहे थे, मतलब उनका फेस कुछ अलग था और वो दिखा कुछ अलग रहे थे, ठीक है। जैसे कि चोर को हम देखते भी है तो जान नहीं पाते कि ये चोर है, ये इंसान क्यों नहीं जान पाते हैं कि वो उनके असलियत नहीं दिखाते हैं हमें, हमारे सामने चोरी नहीं करते, हमारे पीठ पीछे चोरी करते हैं। सेम आपके पर्सन के घर में या तो फिर उनके काम की जगह पर जो भी पर्सन यहाँ पर चोरों की तरह बिहेव कर रहे थे, वो सिचुएशन एंड होने वाला है, स्पेशली उनके फैमिली से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर एंड होने वाला है, जो कि आप दोनों के बीच में आ रहा था। कॉन्सर्न क्यों रहने वाले हैं आपके पर्सन, कॉन्सर्न क्यों रहने वाले हैं, हेल्थ इश्यूज है आपके पर्सन को, या फिर आने वाले टाइम में होंगे। ओके, तो आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज है किसी सिचुएशन की वजह से, जिसके लिए वो चिंतित है, साथ ही साथ आपके बारे में भी सोचते रहते हैं, वो कोर्टशिप की एनर्जी है। ओके, वो आपके बारे में भी सोचते रहते हैं, काम के बारे में सोचते रहते हैं, और कुछ न्यू रास्ता उनको नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से वो सोच सोच के परेशान है, उनका हेल्थ इश्यूज हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, ठीक है। तो आपके साथ वो यूनियन में तो आना चाहते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन के चलते यहाँ पर नहीं हो पा रहे, जिसके लिए आपके पर्सन डिप्रेशन में जा चुके हैं और उनका हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है। डिस्टेंस होराइजन्स क्यों आए हैं, कैसा डिस्टेंस होराइजन में आने वाले हैं, डिस्टेंस होराइजन्स क्यों आए हैं यहाँ पर। देखिए लेटर आने वाला है, जो लोगों का सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस होराइजन्स के साथ मैसेजेस के कार्ड है, तो कॉल मैसेज आने वाले हैं गाइस।
तो ये एनर्जी है। जो लोग डिस्टेंस में हो, सेपरेशन में हो, यहाँ पर आ सकता है, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी मैरिड होगा इस। और कुछ लोग के पर्सन कॉल करके ये बोल सकते हैं कि वो आपको शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही बच्चे चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं। जिन लोगों का बच्चे फैमिली है, ऑलरेडी मैरिड हो, उनका मैसेज आ सकता है। कोर्ट हाउस क्यों आए हैं, कैसा कोर्ट से रिलेटेड मैसेज, कार्ड नीचे गिर गए, ओके बाद में देखती हूँ मैं उसको। कोर्ट हाउस क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। आपके साथ लीगल मैरिज करने के लिए आपके पर्सन कोई पावरफुल एक्शन लेने वाले हैं, आपके साथ लीगल मैरिज करना चाहते हैं, पावरफुल कोई एक्शन लेने वाले हैं, ओके। रियूनियन कब तक होगा, यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके कहीं दूर चला जाना चाह रहे हैं, मैच्योरली सोचना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को और मैच्योरली हैंडल करें, उनको गाइडेंस मिल रहा है किसी न किसी तरीके से। यहाँ पर कपल आ गए हैं, तो आपको जो है अपनी खुद की थ्रू लाभ मानते हैं, आपका पार्टनर मानते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ की तरह देखते हैं, या फिर हस्बैंड या वाइफ हो आप लोग, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन में रियूनियन होने वाला है, शादी से रिलेटेड कोई मैसेज आ सकते हैं, और लवर्स के साथ यूनियन की एनर्जी है। तो इतना पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं गाइस। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है आज के दिन में, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है आज के दिन में। सॉरी मोनोलॉजी डेक यूज करते हैं, चलिए ये डेक मैं यूज कर रही हूँ कई दिनों से, तो मोनोलॉजी डेक यूज करते हैं, वन सेकंड गाइस। प्लीज एंजल गाइड करें क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, और मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी। मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है आपको, मेडिटेट करो, खुद के आंसर आपको खुद को मिल जाएंगे, मेडिटेट करो, खुद को हील करो गाइस। कुछ लोग हील नहीं हो, नेगेटिविटी में हो, बहुत ज़्यादा उलझन में हो, तो खुद को हील करो। ये पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, जो भी आपका पर्सनल इशू चल रहा था उनका रिजोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पर मीन राशि के कोई हो सकते हो, और कैंसर राशि के कोई हो सकते हो। पॉस्पिरिटी लाइट आहेज, आने वाले टाइम में आपको पॉस्पिरिटी मिलेगा, ठीक है। टॉरस राशि के हो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आप सपना देख रहे हो उसके, उस सपने के लिए आपको फेथ रहना चाहिए, बिलीव रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। ए फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपके स्टोरी का क्लाइमेक्स आपके सामने आने वाला है गाइस। तो फ्रेंड्स ये था आज के दिन में नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और वीकेंड में एक फ्री रीडिंग आपको मिलेगा, तो हर कोई कमेंट करता रहना, तो मैं ज़रूर नाम अनाउंस करूँगी, उसके बाद आप फ्री रीडिंग ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।